जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। तो दोस्तों आइए हम अब बात कर रहे हैं ये टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत की झोली में पहला रजत पदक देने वाले मीराबाई चानू के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यह मीराबाई चानू जो है एक ऐसी एथलीट से हैं, यानी भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है, जिन्होंने अब तक के भारतीय इतिहास में पहला ओलंपिक रजत पदक दिया है। साथियों इससे पहले कांस्य पदक मिल चुका है भारोत्तोलन में। आइए जरा इनसे संबंधित जो बातें हैं इन्हें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मीराबाई चानू का पूरा नाम साइखुम मीराबाई चानू है। ये मीराबाई चानू जो है कुल वजन 208 केजी का भार उठाया, इन्होंने स्नैच में 87 केजी का भार उठाया और अंत में क्लीन एंड जर्क में 115 किलो का ये वजन इन्होंने उठाया। दोस्तों हम आपको यह बता दे कि सिडनी ओलंपिक 2000 में जो हुआ था उनमें कर्णम मलेश्वरी ने कांस्य पदक भारत के झोली में दिया था भारोत्तोलन के क्षेत्र में, और आज वही 21 वर्ष का इंतजार खत्म हुआ और इंतजार खत्म होने के साथ ही मीराबाई चानू के द्वारा भारत की झोली में भारोत्तोलन के क्षेत्र में पहला रजत पदक दिया और इन्होंने अपने नाम इतिहास में एक अलग ही दर्ज कर दिया है। दोस्तों इसके पीछे इनके एक बड़ी दर्दनाक कहानी भी होती है, वो दर्दनाक कहानी भी आपसे हम बयां करेंगे। उससे पहले और जान लेते हैं तो हम ये आपको बात बता दिए हैं कि सिडनी ओलंपिक में कर्णम मलेश्वरी द्वारा जो है कांस्य पदक से इस भारोत्तोलन क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया गया, और आज इसी भारोत्तोलन के क्षेत्र में मीराबाई चानू द्वारा जो एक अदम्य साहस दिखाया गया है आज हम सब भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। साथियों आपको हम बता दें कि यह मीराबाई चानू जो है इससे पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था रियो ओलंपिक खेल में मीराबाई चानू का उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। साथियों बेहतर प्रदर्शन ही नहीं कहिए, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बुरा स्थिति हो गया था इनके लिए। वह बुरा स्थिति ये हो गया कि पता नहीं उस रियो ओलंपिक खेल में इनके हाथ को क्या हो गया था कि ये कोई भी भार इन्होंने उठा नहीं पाया, और यहाँ तक कि आपको बता दे कि जितना भी भार उठाने का था उससे पहले अन्य खेलों में इन्होंने वो भार तक उठा पाया था, लेकिन इन्होंने रियो ओलंपिक में एक भी भार नहीं उठा पाया। दोस्तों बहुत ही इनके लिए वो दर्दनाक कहानी रही। इतना ही नहीं दोस्तों आपको यह बात भी हम बता दे कि इस रियो ओलंपिक खेल के बाद जो है इनके नाम के आगे लगा दिया गया डिड नॉट फिनिश लिखा गया। दोस्तों आपको यह बात हम बता दे, अगर ओलंपिक खेल में किसी भी एथलीट को अगर कोई भी एथलीट से है अगर एक भी पदक वो अपने नाम नहीं दर्ज करता है कि पदक उनको नहीं मिलता है तो ये अलग बात है, लेकिन अगर ओलंपिक खेल के किसी भी एथलीट्स के नाम के आगे डिड नॉट फिनिश लिखाता है या उनके लिए उनके खास अपने लिए एक बड़े ही शर्म की बात है। दोस्तों इसी शर्म के मारे इन्होंने उस मंच पर रो दिया था और रोते रोते इनका बहुत बुरा हाल हो गया था, इनका दिल विह्वलित हो उठा था। दोस्तों और आपको यह बात बता दे कि वही दिल भी बोली तो हो उठा था और आज देखें इनका दिल और इनका मन क्या कर रहा है। इन्होंने एक अदम में जो साहस पेश किया है, जो कामयाबी पेश किया है, आज हम क्या कहें इनके लिए नहीं, इनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि हम जितने भी भारतवासी हैं, भारतवासी में जितने भी हैं, सभी के लिए बहुत ही गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। साथियों आपको हम यह बता दे कि यह मीराबाई चानू जो है आज देखिए वही मंच है, वही ओलंपिक मंच है, भले ही जगह अलग है लेकिन वही ओलंपिक मंच है। इनको शायद वो मंच याद आ गई होगी मन में कि वही मंच है जहां हमें रोना पड़ा था, एक कड़ी शिकस्त खानी पड़ी थी, और आज उसी मंच के स्तर पर इन्होंने एक यानी तिरंगा ध्वज का जो एक ऊंचा स्तर दिखाया इन्होंने, बहुत ही साथियों गर्व की बात है यह। आपको यह बात हम बता दे कि मीराबाई चानू की मां ने 2016 रियो ओलंपिक से पहले इनके लिए एक तोहफे के रूप में रियो ओलंपिक के छल्ले के रूप में कान की बालियां दी हुई थी। दोस्तों और यहां इस ओलंपिक खेल में इनकी मां ने देखी तो वो कान में वही बालियां पहने हुई थी। इनकी मां की ऐसा उम्मीद था कि यह जो है हमारे भारत मतलब यह जो है अपना नाम ऊंचा जरूर करेगी और साथ साथ अपने देश का भी नाम बहुत ही शीर्ष पर करेगी, यानी ऊंचे
ओहदे पर पहुंचाएगी यहाँ। तो साथियों आपको यह बता दे कि इनका जो है करियर का शुरुआत होता है एक लकड़ी उठाने से, यानी मणिपुर की रहने वाली है दोस्तों, और मणिपुर में इन्होंने बचपन से ही पहाड़ से लकड़ियां ढो करके लाया करती थी, वहीं से इनका अभ्यास हो गया वजन उठाने में। दोस्तों आपको यह बात बता दे कि आज मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन के क्षेत्र में है, एक समय था कि बचपन में आठवीं से पहले इनका सोच, इनका मतलब एक लक्ष्य था कि हम एक बहुत ही सफल तीरंदाज बने, लेकिन आठवीं के बाद इनके मन में एक अलग ही विचार आया, एक अलग ही इनकी दिशा में मोड़ आता है। वह कहानी देखे दोस्तों, हम बता दे कि इनको प्रेरणा मिलती है जब आठवीं वर्ग में यह पढ़ती है और अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा करती है, उनमें नाम आता है कुंज रानी देवी का। दोस्तों कुंज रानी देवी जो है पढ़ा गया, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा कि अब तक की ओलंपिक में जो है पहली पदक विजेता रही थी महिला में कुंज रानी। तो इन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि अब हम जो है इस क्षेत्र में, यानी भारोत्तोलन के क्षेत्र में जो है हम आगे बढ़ेंगे और अपने भारत का नाम एक शीर्ष पर पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों यदि हम इसके बात करेंगे अन्य करियर में जो इन्हें जो उपलब्धियां प्राप्त की इन्होंने, उसके बारे में आइए जरा बात कर लेते हैं। दोस्तों यह ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2014 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक हासिल किया। और तो और हम यदि बात करते हैं 2018 में, तो 2018 में दोस्तों गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ जो है राष्ट्रमंडल खेल होता है, 2018 में कॉमनवेल्थ में 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक लिया, यानी एक बार के राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक, पुनः 2004 साल बाद 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था दोस्तों वहां इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और इसके बाद यदि देखते हैं तो ताशकंद में एशियन चैंपियनशिप हुआ था 2020 में, वहां इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कांस्य पदक अपने नाम दर्ज की थी। और वहीं बात करेंगे कि अनाहिम विश्व चैंपियनशिप 2017 में, तो वहां इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम दर्ज की थी। और आज देखिए टोक्यो ओलंपिक खेल 2020, यानी इन्होंने 21 किलोग्राम भार वर्ग में आज रजत पदक अपने नाम की। दोस्तों उम्मीद है कि यदि अगला बार यह खेलेगी तो इतना दमखम से खेलेगी कि स्वर्ण पदक भी भारत के झोली में इन्हीं के नाम होगा। आइए इनसे संबंधित और जो कुछ तथ्य बनने वाले हैं उनके बारे में दोस्तों हम देख लेते हैं। देखिए यह मीराबाई चानू जो है दोस्तों भारोत्तोलन में, भारोत्तोलन क्षेत्र में रजत पाने वाली पहली भारतीय एथलीट्स है। और डायरेक्ट ऐसे बात करेंगे कि ओलंपिक के किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक पाने वाली जो भारतीय महिला है वो क्या है, पीवी सिंधु है, जो रियो ओलंपिक में 2016 में पदक दर्ज हासिल की थी। और यदि बात करेंगे यहाँ पर कि ओलंपिक की किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक पाने वाली दूसरी महिला तो होगी मीराबाई चानू। और इससे पहले दोस्तों हम सारी बातों को हम चर्चा कर चुके हैं, आज भी अभी भी हम, और हम आने वाले दिनों में इनको हम लोग गर्व से हम लोग नाम लिया करेंगे। और साथियों आप भी इनसे प्रेरित होंगे, और आज इन्होंने हमारे भारत की महिला सशक्तिकरण का मिसाल पेश कर दी है, यानी महिला का स्थान जो है अब पहला स्थान इन्हीं से शुरू हुआ, तो क्या कह सकते, जितना भी कहे इनके लिए कम ही है। तो दोस्तों हम आपको यह पूरी घटना बता दिए हैं और आप भी इनसे जान करके बहुत जो है बारीकी से समझ गए होंगे भारोत्तोलन के क्षेत्र में इन्होंने जो कारनामा दिखाया है। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हम ओलंपिक खेल से जो भारत की झोली में जो पदक आने वाले हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे, चाहे वह कोई भी पदक हो। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। जय हिंद।